सभी को अपना इंटरव्यू देने के लिए देख सकते हैं, जा रहे हैं अंदर। कैसे आप लोग, अच्छे होंगे। आज का वीडियो है झारखंड उच्च न्यायालय में जो होने वाला है इंटरव्यू, उसके उससे रिलेटेड है। आप देख सकते हो बहुत से लोग, बहुत से कैंडिडेट आए हुए हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं। अभी 8 बजने के बाद एंट्री होगा। सो आप देख सकते हैं फाइनली बहुत से लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सो आपको हम वीडियो में बने रहे, सारा जानकारी आपको देने वाले हैं अच्छा से। और ये रहा आपका झारखंड उच्च न्यायालय, और अभी लोग आए हुए हैं। अभी एंट्री टाइम है 8:30 बजे, और लगभग ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। 2018 का जो वैकेंसी फॉर्म भरा गया था, वो अभी इसका इंटरव्यू चल रहा है। आप देख सकते हैं सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 2018 का ये फॉर्म फिलअप हुआ था, जो अभी स्टार्ट हुआ है। एक तरह से चल रहा है ये एग्ज़ाम, ये इंटरव्यू चल रहा है सर झारखंड उच्च न्यायालय में। बस इसके बाद में आपको दिखाते हैं आगे चल के। इसके बाद हम लोग को लाइन लगना है, क्योंकि टाइम हो गया है। लगभग बताया गया है कि आपको राइट से लेफ्ट साइड में ये लाइन लगना है। सो आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी भीड़ भाड़ हो गया है यार। मैं एक छोटा सा भीड़ भाड़ के चक्कर में पीछे रह गया हूँ। सो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है। आपको सबको तैयार हो चुका है, सबको एडमिट कार्ड फाइनली लेना है। एडमिट कार्ड लेने के बाद उसके बाद आप एंट्री होने पाइएगा। सो आप कभी भी अब इंटरव्यू देने आ रहे हैं हाई कोर्ट में, तो आपका पहले सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड निकाल के रखना होगा। और जहाँ तक आप देख रहे हैं बहुत दूर तक ये लाइन है, क्योंकि कैंडिडेट लोगों का जो भीड़ देख रहे हैं, लगभग मेरे ख्याल से 1000 से प्लस ही होंगे। क्योंकि पिछले बार जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछे थे तो लगभग बता रहा था कि 7 बैच बनता है, 7 बैच, एक बैच में 200 कैंडिडेटों का इंटरव्यू हो रहा है। सो आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गाइज। बाहर होने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट पहले से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और लगभग 200 मीटर का लाइन लगी हुई है गेट से, जिसमें आज का इंटरव्यू होने वाला है प्यून आदेश पाल। और क्या भैया? बस वही रसोई का, मतलब कि जो 4th ग्रेड का है वो सारा, सभी कोई आए हैं देख सकते हैं। बहुत दूर दूर से आए लोग, बहुत लंबी भीड़ है देख सकते हैं। बाद बाकी दिखाते हैं, इंटरव्यू होने के बाद पूछेंगे क्या क्या पूछा गया क्वेश्चंस, वो इंटरव्यू होने के बाद बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो फाइनली आप एंट्री करते हैं, और एंट्री होने के बाद आपको व्यू दिखा रहे हैं। सो गाइज, ये रहा आपका इंटीरियर, और इससे आगे ज़्यादा दूर आपको नहीं दिखाने पाएंगे जो इंटीरियर है। फाइनली हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद क्या होता है वो निकलने के बाद बताएंगे। सो काफ़ी खूबसूरत है ये आपका, मतलब हाईकोर्ट का बाहर का सीन देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, क्या नज़ारा है आप देख सकते हो। वाह। सो फाइनली हमारा इंटरव्यू हो चुका है, और ये हम निकल रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर दिखाना अच्छी बात नहीं होगा। ये आपका जो बाहर है, बाहर का जो ग्राउंड है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जो भी बनाया गया, इसका डिज़ाइन दिया गया ना, आप देखने के लायक है। और काफ़ी खर्च करके बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये आपका आगे साइड में ग्राउंड में जो पानी का, इसमें पानी है, इसमें लाइटिंग होता है, तरह से गार्डन टाइप से है, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इंटरव्यू हो चुका है, और कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उन लोग से पूछते हैं क्या इंटरव्यू में दिए। सो फाइनली भैया, तब एग्जाम कैसा गया? अच्छा। इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा। अच्छा, क्या क्या पूछा था? पूछा क्या काम कर रहे हैं, किस कहाँ से आए हैं, नाम क्या है। अच्छा, और कुछ नहीं। अच्छा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिया था? डॉक्यूमेंट में लिया था मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और कुछ नहीं। और डॉक्यूमेंट जो पहले आप जो फॉर्म फिलअप किया था उस समय डाला था, वही डॉक्यूमेंट चेक किया ना? अच्छा, उसका ओरिजिनल चाहिए ना? जी। जरूर से कोई जरूरत पड़ा? नहीं नहीं पड़ा ना, कुछ नहीं, बस मैट्रिक का सर्टिफिकेट, खाली मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कुछ नहीं। अच्छा, हो गया। तो भाई आपका कैसा गया इंटरव्यू? इंटरव्यू तो अच्छा ही गया। अच्छा गया ना। क्या पूछे थे सर? नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? अच्छा, सर। और कितने जज थे? क्या बोले? जज कितने थे अंदर में? दो जज थे। अच्छा, और कुछ नहीं पूछे? क्या काम कर रहे हैं अभी? अच्छा, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा? डॉक्यूमेंट जो पहले मैट्रिक का जो दिया हुआ था, वही वाला सर।
जो पहले फिलअप किए थे, जो डाले थे, पोस्ट किए थे, उसी का? उसी का। अच्छा, ओरिजिनल चाहिए ना? आधार उधर कोई इससे इशू? आधार का इशू? आधार का इशू नहीं है ना? नहीं है। अच्छा, बस 10 क्लास का मार्कशीट, मतलब टोटल डॉक्यूमेंट ना? ठीक है, थैंक यू भैया। तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कोई यहाँ पर एग्जाम इंटरव्यू दे के आ गया है और बैठे हुए हैं, और अभी भी चल भी रहा है। और एक बैच में, अच्छा पर बैच कितना लेते हैं जी? एक बैच में 200 कैंडिडेट है ना? एक बैच में 200 कैंडिडेट है, ऐसा ही करीब है ना? 200, चार बैच कर, सात बैच बनाया हुआ था ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनाया हुआ था ना? चलिए चलिए। और सभी में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अंदर घुसाता है ना? तब सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया रहा। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था? नाम, एजुकेशन और वर्क। लाउडली बोलिए, है ना? नाम और एजुकेशन। नाम और एजुकेशन और क्या के बारे में क्या करते हैं? अच्छा, उससे पहले एंट्रीस पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा? डॉक्यूमेंट में सिर्फ जांच हुआ, ये मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल। अच्छा, और कास्ट ये सर्टिफिकेट जमा करना पड़ा। अच्छा, बस इतने सर? अच्छा, जो अच्छा जो क्लेम किए हैं सर्टिफिकेट कास्ट, उसको ओरिजिनल दिखाना पड़ रहा है ना? कास्ट सर्टिफिकेट जैसे एस सी एस टी हो गया, उनको दिखाना है जरूरी? हाँ, उनको जरूरी, एस टी और एस सी। तब का इंटरव्यू बढ़िया रहा ना? बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आपको बताना चाहेंगे, ये इंटरव्यू अभी चल ही रहा है, आज तारीख है आपका 7 तारीख है, और इसके बाद भी इंटरव्यू होने वाला है। तो आपकी जो भी आप देखे वीडियो में जानकारी जितना मिला, वो डॉक्यूमेंट अपने आप को संभाल कर, और जितना भी ओरिजिनल है दिए हुए सबको डाल दीजिएगा, जिससे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। इंटरव्यू ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा है आपको, ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन बताना भी नहीं है। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय।